शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, वो के जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो जबरदस्त है बख्शने वाला है। उसी ने सात आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू रहमान की तखलीक में कुछ नक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नजर आता है? फिर बार बार नजर कर तो नजर हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोजख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, जरूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज नाजिल ही नहीं की, तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते होते तो दोजखियों में ना होते। बस वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे, सो दोजखियों के लिए रहमत से दूरी है। और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है, हर चीज से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार पस्त बनाया, तो उसके रस्तों में चलो फिरो और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से उठकर जाना है। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको जमीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था, सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेती हैं? रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता, बेशक वो हर चीज को देख रहा है। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो धोखे ही में है। भला अगर वो अपना रिस्क बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिस्क दे सके? लेकिन ये सरकशी और नफरत में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स चलता हो मुंह के बल औंधा, वो ज्यादा राह रास्त पर है या वो जो सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा हो? कह दो, वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही एहसान मानते हो। कह दो कि वही है जिसने तुमको जमीन में फैलाया और उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे। और काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कयामत का कब पूरा होगा? कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और मैं तो खोल खोल कर डर सुना देने वाला हूं। सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे। कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे? कह दो कि वो जो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर